वो मेगा एवोल्यूशन कर लिया, वो मेगा एवोल्यूशन भाई, मेगा पिजियोट। ओ भाई साहब आप ही का चुमार, देखते हैं एक मोटा पता मेगा पिजियोट को नहीं। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तो जिस पल का था हमें इतने टाइम से इंतजार, आज वो भाई हम मुकाम हासिल करने वाले हैं। आज भाई हम फाइनली चैंपियनशिप के लिए बैटल करेंगे, मतलब चैंपियन बनने के लिए बैटल करेंगे। एक फाइनल बैटल हमारे ओल्ड टाइम राइवल के साथ। बबलू चैंपियन बन गया था लास्ट एपिसोड, भाई तुम पता ही होगा, तुमने अगर एलीट फोर साथ घमासान लड़ाई देखी है तो भाई पिछले एपिसोड में मेगा चार्जर्ड एक्स वर्सेस ड्रैगन नाइट की और बाकी बहुत सारी तगड़ी तगड़ी बैटल हुई थी। प्रोफेसर ओक भी आए थे हमें कंग्रेचुलेट करने के लिए। अब हमें भाई इस दरवाजे के आगे जाना है और फिर हम चैंपियन बनने के मतलब नजदीक क्या है, अब मैं ये भी बोल सकता हूँ चैंपियन बनने के नजदीक आएंगे, हम चैंपियन बन ही जाएंगे अब की बार। तो एक लास्ट बार चेक मार लेते हैं, हील वगैरह मार लेते हैं भाई, पोकेमोन को मैंने कुछ भी नहीं किया या मैं लापरवाह हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ कर लेते हैं हील भाई। देखते हैं बबलू के पास, मेरे ख्याल से भाई इस बैटल में उसके पास 6 पोकेमोन निकलने वाले हैं। अब देखते हैं वो ताकतवर है या नहीं, या उसके भी बस ऐसे ही 55-50 लेवल के पोकेमोन मिलेंगे। मेरे ख्याल से अपन रेडी है और उसका पहला पोकेमोन हमेशा पिजियोट निकलता है, तो मैं एक काम करता हूँ मैं पिकाचू को आगे निकाल लेता हूँ और इस बैटल में अपन पिकाचू पे डिपेंडेंट रहेंगे ज़्यादातर, क्योंकि पिकाचू भाई अपना स्टार्टर है। सो या मतलब भाई पिकाचू के साथ ही फिनिश करेंगे अपन इसको बैटल को। तो यार अपन बात कर लेते हैं और पिकाचू से। पिकाचू तैयार भाई? अरे भाई तैयार है तो भाई चलो चलते हैं। चल भाई पिकाचू, पिछले एपिसोड भाई से अपन गिफ्ट भी दिया था एक, लेकिन चलो आज हम पिकाचू गिफ्ट देते हैं चैंपियन बन के। ओ वो खड़ा, ओए बबलू मेरे भाई, भाई दोस्त मतलब मेरे, ओ स्टाइल, ओहो हाँ क्या हो गया? ओ भाई बहुत खुश हो रहा तू? अभी तुझे मुझे आना चैंपियन बनने से पहले, या नहीं चैंपियन बन चुका ना मेरे ख्याल से, अब मैं इस आ रहा हूँ तो मैं चैंपियन बनूंगा इसको हरा के। यू डिड इट विन, ओ मैन दैट्स ग्रेट, आई बीन वेटिंग, आई बीट द एलीट फोर एंड बीकेम द चैंपियन। है बेटा जब ही आगे निकल गया था बता रहा था पिछले एपिसोड तुमसे। यू प्रोबेबली हर्ड फ्रॉम द प्रोफेसर राइट, फ्रॉम नाउ ऑन द चैंपियन विल बी पार्ट ऑफ द पोकेमॉन लीग एंड बैटल ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेनर्स। आई एम रियली ग्लैड माई फर्स्ट अपोनेंट टर्न्ड आउट टू बी यू विन। एक ये पता क्या कह रहा है, मतलब चैंपियन अगर मान लो हम चैंपियन बन गए तो क्या नाम, मेरे ख्याल से अपन को भी फिर मतलब और चैलेंजर आके फेस करेंगे चैंपियनशिप गद्दी के लिए। सही है यार ये तो, मतलब नए चैलेंजर मिलेंगे, देखते हैं आगे भाई इसके पोस्ट गेम वगैरह कुछ होता है, मजे आएंगे। यू आर द वन ट्रेनर आई वांट टू टेस्ट माय बेस्ट अगेंस्ट आफ्टर ऑल। अरे मैंने हर बार हरा है इसको, ये चैंपियन में क्या सोच रहा, हरा देगा मुझे? लेट्स बैटल विन, द चैंपियन सीट इज ऑन द लाइन। ओ यस, ओ भाई एक सेकंड थोड़ी आवाज तेज करता हूं मैं भी, मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। ओ यस बबलू वर्सेस विनर, मतलब मी या एस जो भी लगा लो तुम। ओ भाई क्या गोल्डन एकदम मैजेस्टिक से फील ले रहा कि तूने, अरे भाई कैसे, या एज एक्सपेक्टेड इसके पास पिजियोट है, मेरे पास मेरा पिकाचू है, या पर हल्के में नहीं लेने वाला मैं इसको, सीधा थंडर यार थंडर बोल्ट में भी हार जाएगा पर थंडर मारते, चलो थोड़ा सा मस्त बनाते बैटल को, इंटेंस करते बैटल। ओ मेगा एवोल्यूशन कर लिया, ओ मेगा एवोल्यूशन भाई, मेगा पिजियोट। ओ भाई साहब आप पिकाचू मार, देखते हैं एक मुड़ा पाता मेगा पिजियोट को नहीं, उड़ा दिया तो भाई ये बहुत फिर तो गए एक उड़ा दिया भाई, चाहे कितना ही मेगा बना ले कितना ही कुछ कर ले मेरा पिकाचू ताकतवर है, देखना मतलब भाई देखो क्रिटिकल हिट मारा बंदे ने मेगा पिजियोट को उड़ा दिया एक में। अब इसके पास मेगा एवोल्यूशन नहीं बचा, मेरे पास है और देखना मैं बाट लगाऊंगा मेगा एवोल्यूशन से अपने से। 59 लेवल पर स्नोरलैक्स हो गया, नाइस। 64 लेवल पर चार्जार्ड, बढ़िया। अरे अरे बस भाई इतने लेवल अप क्यों हो रहे हो, वाइल्ड ब्लू मारा होकर चार्जार्ड निकालते हैं। आ जाओ भाई चार्जार्ड, तेरा नंबर आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ मेगा एवोल्यूशन करूँ इस बैटल में किसी पोकेमॉन को, नहीं यार हाँ देखो अपने पिछले एपिसोड में ना चार्जर्ड एक्स वीनासोर और ब्लास्टोइज को तो कर लिया था, तो अब एक काम करते हैं अपन वाई में बना लेते हैं बस और कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं ये करके फ्लेम थ्रो मार देते हैं, यस मेगा चार्जर्ड वाई और रह गया था, यस ये और बना लेते हैं अभी हरा देगा। ओ बेटे टेढ़े मेढ़े पंख वाला मार भाई फ्लेम थ्रो तगड़ा वाला, भाई एक में उड़ा देना चाहिए चार्जर्ड, तो स्लिम ट्रिम हो गया इसका ये मतलब नहीं, तेरे फ्लेम थ्रो कच्चे में लेंगे। हाँ बढ़िया भाई, 6 पोकेमोन होने से बंदे के पास, मेरे ख्याल से इसके नए पोकेमोन दिखेंगे कुछ तो फ्लाई, वैसे अभी तक वाइल्ड प्लूम और ये तो पूरा जोल्टियन पुराना ही है। हाँ वीनासोर निकाल लेते हैं, अभी तक वाइल्ड प्लूम और जोल्टियन और इसका पिजियोट तीनों मतलब पुराने हैं अभी, और मेरे ख्याल से इसका एक और निकलेगा मैरोवैक, उसके बाद दो नए निकलेंगे भाई इसके पास। ओके जोल्टियन आ रहा है इसका, इसका स्टार्टर है भाई, ईवी इवॉल्व कर ली थी इसने, मैंने अपने पिकाचू इवॉल्व नहीं किया। खैर बैटल डांस मारते इसके, आप देखा भाई मेरे पोकेमोन इस बैटल में सब कुछ दिखा रहे हैं अपना, देखा इसने अवॉइड कर दिया थंडर हर्ट की मदद से। हाँ ओके कोई बात नहीं, कर सकता है वीनासोर तो कर सकता है ब्रो, टेंशन की बात नहीं है। क्या मारेगा ये? थंडर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना, या देख लेना चाहे तो। नहीं किया, यस जीत गए अपन तीसरा। पैरालिस कर दिया ऐसे टाइम पे वीनासोर ब्रो, चलो कोई बात नहीं कोई, मैं स्विच कर लूंगा हरा के इसको। यस हरा दिया, नाइस 3 पोकेमोन हरा दिए, मेरा एक भी नहीं हरा अब तक। अरे रुक जा भाई, एक सेकंड क्या, व्हाट
और रैपिडैश आ रहा है, ओके ब्लास्टोइज निकालते हैं अपना। इसके पास नया रैपिडैश निकला है मेरे ख्याल से, है ना। अब इसके पास एक मैरोवैक बचा होगा और एक और कुछ नया होगा, देखना पड़ेगा कौन सा भाई वो। आ रैपिडैश ब्रदर, फ्लेम्स तेरे पे सूट करता है वैसे ब्रो, तेरे बाल भी खड़े खड़े से रहते हैं। हाइड्रोमप मारता है अपने जो नया अटैक सीखा था। देख भाई कितने सब पोकेमोन शाउट कर रहे हैं, सीरियसली हर्ट की मदद से हर्ट की पावर दिख रही है हमारी बॉन्डिंग की, इतनी बड़ी जर्नी की भाई सब भाई मेरे सारे पोकेमोन्स को पता है कि क्या नाम है, इस बैटल में पूरे जी जान लगा दे रहा है, देख कोई बैक ऑफ नहीं कर रहा, मतलब कोई पीछे नहीं हट रहा, सब वन हिट कर रहे हैं। वो विनसोर ने नहीं किया था, कोई बात नहीं, लेकिन या ब्लास्टोइज अब तक सब पोकेमोन वन हिट किया मेरे पोकेमोन ने। अगला वो स्लो ब्रो है इसके पास, ओके यार उसके पास स्लो ब्रो था, क्या नाम है, पहले एलिट फोर के पास है ना, लोरले के पास। हाँ अब स्लो ब्रो के लिए क्या निकालू भाई मैं, स्नोरलैक्स। यार सब पोकेमोन को मौका देते हैं इस बैटल में ना, या सब पोकेमोन को मौका देते हैं इस बैटल में, क्योंकि मेरे स्टार्टर सारे हो गए, पिकाचू हो गए और वो स्टार्टर चार्जार्ड वगैरह सारे हो गए, स्नोरलैक्स और ड्रैगनाइट बचे हैं। यस तो इसको हराते हैं स्नोरलैक्स से, टाइम लगेगा मेरे ख्याल, दो तीन अटैक मारेगा, चल ठीक है। अर्थक्वेक मारते हैं इसके, यार वैसे मुझे ना क्रंच मारना था क्योंकि सागर टाइप भी है ना ये, ले भाई क्योंकि वाटर टाइप पर ग्राउंड टाइप मैंने क्यों ही मारा, पागल हूँ मैं क्या। ओके इतना सर नहीं पड़ा यार, क्या डाउन कर दिया, पर स्पेशल डिफेंस फेल कर दिया यार। क्रंच मार ब्रो, स्नोरलैक्स खा जाए इसे, भटके मार मार जाए, तू भूखा है ये ले। ओके एक अटैक और, लाइट स्क्रीन मार रहा है, क्या क्या डाउन मतलब क्या बढ़ जाएंगे इससे इसके। यार स्पेशल मूव मेरे ख्याल से, ओके नहीं स्पेशल बढ़े ना, या मेरे ख्याल से क्रंच का डैमेज अच्छा खासा हुआ। ये हरा दिया, बढ़िया भाई, सारे पोकेमोन ने अपना काम कर रहे हैं बढ़िया, बस अभी एक लास्ट बचा ड्रैगनाइट, काम करना हो रहा है क्या, कौन सा भाई तेरे पास बता, मैरोवैक है, ओके ड्रैगनाइट आ जा भाई। ओ भाई ड्रैगनाइट के आइस भी मारेंगे, एक में हार जाएगा मैरोवैक भी। यस हम ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं सीरियसली भाई, ये भाई बबलू बहुत कमजोर है हमारे हिसाब से देखा जाए तो, यार 56 लेवल का पोकेमोन लेके मतलब क्या राज्य हो रहा है तू, 60 के करता कम से कम। ये ले भाई आइस बीम, यस भाई ड्रैगनाइट ने अपने भाई अपना व्हाट भाई ड्रैग, यार आइस बीम का असर नहीं पड़ा, फायर पंच मार रहा है, हड्डी पंच मार रहा है। ओके यार मुझे उम्मीद नहीं थी सीरियसली, एक काम करता है हाइपर बीम मारते हैं, रिचार्ज करेगा, रिचार्ज यार एक मार जाए बस, क्योंकि फिर रिचार्ज करने लग जाएगा, मुझे अटैक नहीं मारने का मौका मिलेगा एक फिर। अबे यार क्या भाई इसके मैरोवैक कैंडी खिला रही है, और ये भाई मैरोवैक है जो मतलब क्यूबोन से विकसित हुआ था, जो वो मतलब उसकी मम्मी मर गई थी ना मतलब लेवेंडर टाउन में, भाई क्यूबोन है ये भाई, खतरनाक है यार ये वाला क्यूबोन, देखे ताकतवर हो गया यार, सही यार इसके लिए अच्छा लग रहा है मुझे, पर ये बात नहीं अच्छा लगेगा मैं ऐसा रहूंगा नहीं। ये ले ब्रो आउटरेज खा तू, ले ये मार झापड़ खिंचा के, इतनी देर होगी इसे। यस फाइनली वी बिकेम द चैंपियन, हरा दिया इसके एक एक पोकेमोन को चुन चुन के। भाई ओके आई एडमिट इट, भाई इतना राजी की वह मैंने इसे हरा दिया, अभी मतलब कितनी देर चैंपियन बना हुआ है, 2 मिनट का चैंपियन है, विनर यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड, देखा हरा दिया, यस जीत गया भाई मैं। यार ये भी खुश है, वो रो रहा है। मैन माय रेन इज ऑलरेडी ओवर, दैट वाज प्रीटी शॉर्ट आर्म भाई, रो मत यार मुझे बुरा लगता है, यू आर अ चैंपियन नाउ विनर, एंड एज फॉर मी आई गॉट अ न्यू गोल टू वर्क टुवर्ड। क्या विनर सो यू हैव डन इट एट लास्ट, यू डिफीटेड द पोकेमोन लीग, माय सिंसियरेस्ट कांग्रेचुलेशंस, you have grown a great deal since you first caught Pikachu and set out with that Pokédex. Yes, Vinay, you really come into your own as a fine young man. वैसे जब मैंने एडवेंचर बिगिन किया जब भी मैं 10 साल का था और अभी मैं 10 साल का ही हूँ, यंग मैन तो अभी बच्चा ही हूँ मैं। एंड बबलू यू शोड ग्रेट रिजोल्व नेवर लूजिंग हर्ट एज यू शो योर जर्नी थ्रू टू द एंड, आई डिड सी दो इन द वे दैट यू डू बैटल दैट काइंड हर्ट्स ऑफ yours माइट स्टिल बी कॉजिंग यू टू होल्ड योर सेल्फ बैक व्हेन इट कम्स टू योर पोकेमोन एंड टू फेसिंग विनर, इट्स हार्डली मच ऑफ अ वीकनेस बट इट मे हैव कॉस्ट यू द बैटल दिस टाइम। अरे यार मतलब होल्ड बैक करने से मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मैंने 6 पोकेमोन को अपने बिना किसी पोकेमोन फेंट को हरा दिया इसे इतनी आसानी से। रिगार्डलेस द टू ऑफ यू शोड अस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटल, थैंक्स प्रोफेसर विनय, यू अंडरस्टैंड दैट योर विक्ट्री वॉज नॉट जस्ट योर ओन डूइंग डोंट यू। अरे मेरे पोकेमोन ने हेल्प करी यार, मतलब भाई मतलब 3-4 बार तो अवॉइड किया, मतलब वो हर्ट वाली पावर आ जाती है ना भाई, पोकेमोन खतरनाक बढ़ जाता है एकदम मेरे। इट वॉज द मार्वलस बॉन्ड यू शेयर विद योर पोकेमोन दैट यू ब्रॉट यू हियर, ओके नाउ विनय कम विद मी, ओके कहाँ और चैंपियन रजिस्टर वगैरह करने जा रहे होंगे ना। बबलू भी खुश है, अरे सब खुश है, मैं भी खुश हूँ फाइनली यार, 40-41 एपिसोड का सफर खत्म हुआ अपना। कॉन्ग्रेचुलेशन विनय, दिस इज वेयर वी कॉड फॉर एवर द पोकेमोन यू हैव परफॉर्म्ड सो एडमायरेबली फॉर देयर ट्रेनर्स हियर एट द पोकेमोन लीग, दिस इज द हॉल ऑफ फेम, बींग ऑनर्ड हियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चॉइस अ पोकेमोन ट्रेनर में अचीव। हाँ भाई विनय, यू हैव बैटल्ड हार्ड टू बिकम अ पोकेमोन लीग चैंपियन, लेट अस रिकॉर्ड दिस ग्रेट अचीवमेंट ऑफ यू एंड योर पोकेमोन फॉर ऑल टू रिमेंबर, ओके।
मेरे पोकेमोन रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे के सारे। यस पिकाचू पोकेबॉल में चला गया है भाई। हाँ फाइनली ये कहाँ चल रहा हूँ मैं। कांग्रेचुलेशन चैंपियन। यस फाइनली यार पिकाचू लेवल 69 पे भाई, सबसे ज्यादा तगड़ा पोकेमोन अपना। लेवल 66 ब्लास्टोइज हाइड्रो पंप सिखाया था भाई। स्नोरलैक्स अपन ने पकड़ा था बाद में, लेकिन थोड़ी सी भाई लेकिन पावर हाउस पोकेमोन चार झाड़ तो है भाई अपना सिग्नेचर पोकेमोन एकदम। ड्रैगनाइट सबसे लास्ट में पकड़ा था अपन ने, ड्रैगन मतलब ड्रेटिनी के फॉर्म में कमाल कर दिया। और वीनासोर तो है भाई अपना वरिडियन फॉरेस्ट में पकड़ा था शुरू साथ देता हुआ। ये है मेरी पोकेमोन टीम, लेजेंडरी टीम भाई, चैंपियन वाली टीम, एक चैंपियन की टीम है। मजे आया भाई, इनक्रेडिबल जर्नी यार, मतलब भाई क्या क्या नहीं किया, 8 जिम में जीते, बीच में सफर में टीम रॉकेट को हराया, और मतलब भाई कहाँ कहाँ घूमे, नई नई जगह पे, और इस गेम खेलना मतलब भाई फन था बहुत ज्यादा, मजे आया यार पोकेमोन ट्रेन करने में सीरियसली। यस मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया टीम है, और ये ऐश की टीम बनाई थी इसलिए मैंने जानबूझ के सारी की सारी भाई क्या नाम है ब्लास्ट हो सारी साइड मतलब, और मैंने इवोल्व स्टेज पता है इसलिए लिए थे यार ताकि आसान नहीं हो जितने, क्योंकि भाई या अगर अपन फुल पोटेंशियल अब नहीं निकालूंगा तो कब निकालूंगा, मतलब यार ठीक है ऐश ने नहीं किया लेकिन या मैं चाहता था ऐश की ऐसी टीम बनाऊं जो उसके पास हो और सारे इवोल्व पोकेमोन। ड्रैगनाइट वैसे था नहीं ऐश के पास कांटो में, लेकिन या भाई तुमने कमेंट में कहा था कि भाई ड्रैगनाइट रख लो गैलार में था तो ऐश का ही हो गया एक तरह से, सो या मैंने ड्रैगनाइट को रख लिया था। इसने भाई लेंच के चार हजार को हराया था अपने ड्रैगनाइट ने, सो या कच्चे में ले सकते हैं अपन। और अपना चार हजार एक्स वर्सेस भाई ड्रैगनाइट की बैटल तो भाई लेजेंडरी बैटल थी यार एकदम, मजे आए थे देखने, मतलब मजे आ रहे थे एकदम, एज पे बैटल गई थी, एक मूव की उच्चुक हो जाती खत्म, वो तो बस मेरा चार हजार एक्स का लक था बच गया, जीत गए थे अपन। चलो भाई देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स मोर इन दिस। ओह ये क्यूटी, अरे भाई ये देख कितने प्यारे लग रहे यार, आर्ट स्टाइल इतनी अच्छी लग रही है, प्यारी प्यारी सी कार्टूनिश सी। ओए भाई सुरूज दिखा रहे हैं ये, ओके अच्छा ये वैसे दिखा रहे हैं ना, ये उस ड्रेस में दिखा रहे हैं दूसरी ड्रेस में, मैंने तो ऐश की पहन रखी थी ना, मैंने मोड डाल रखा था इसलिए। हाँ देखो ये ऐश वाली नहीं तो, मैंने तो ऐश की ड्रेस पहन रखी थी, ये वाली नहीं थी लाल वाली, मैंने मोड डाल रखा है ना ऐश वाला इसलिए मेरे ख्याल से ये था ऐसा। और मैंने लगभग भाई अब तक जितने मुझे पोकेमोन दिखा मैंने सबको पकड़ लिया है, मेरे ख्याल से मेरे पोकेडेक्स पे अच्छा खासा फील है ठीक है। और लेजेंडरी पोकेमोन भी अपन ने भाई तीनों लेजेंडरी बर्ड पकड़ लिया, अपन ने ज़ेपडोस पकड़ लिया, अपन ने आर्टिकुनो पकड़ लिया, अपन ने मोल्ट्रस पकड़ लिया, और मोल्ट्रस वाले एपिसोड पर भाई तगड़ा सपोर्ट भी मिला था भाई सार लेजेंडरी बर्ड वाले एपिसोड भाई तक सपोर्ट तगड़ा आया भाई तुम्हारा, पूरी सीरीज भी अच्छा सपोर्ट आया यार सीरियसली यार, मतलब मजा आया, मस्त सीरीज थी यार। टीम रॉकेट जैसी को देखा हमारी ये सीरीज बढ़िया थी। यस अब भाई मैं मतलब ट्राई करूंगा ऐसे, मतलब भाई डिफरेंट डिफरेंट और गेम ट्राई करने के, मतलब भाई तुम सपोर्ट अच्छा ही दिखाते हो। अब मेरे पास एक और गेम प्लान में है, आई होप मैं भाई तुम पसंद आएगा, मैं तुम जल्दी अच्छा भूत आ गया ओके भूत से मैं ड्रैक अप दैश है भाई, मेरा करेक्टर तो डरता भी नहीं था ऐसे ही ऐसे रहता था बस इसमें एक्सप्रेशन दिखा रखे इस, मतलब इसमें जो फोटो दिखा रहे हैं नाइस। चलो वैसे अपन दिखा नहीं होगा वैसे, लेकिन या नाइस बढ़िया। हाँ तो मैं कह रहा था कि या मैं भाई तुम्हारे लिए गेम लेके आऊँगा पक्का डिफरेंट डिफरेंट या ऐसे टाइप की जिससे भाई तुम कनेक्ट हो पाओ, क्योंकि भाई मैं इस गेम से बहुत कनेक्ट हो पाया, मजा आया भाई इस गेम खेलने में सीरियसली। एक और गेम ऐसा प्लान में है मेरे, इसके बाद देखते हैं, पहले मैं इसका पोस्ट गेम देख लेता हूँ, तुम बताना भाई पोस्ट गेम में अपन क्या कर सकते हैं, और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं है पोस्ट गेम में क्या करना है मुझे सीरियसली, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकूँ, मैं सारे रूट मतलब मैं भाई शुरुआत सब कुछ कवर करता आया हूँ, मैं सारे रूट कवर कर लिया, मैंने पावर प्लांट भी कर लिया जो मतलब भाई जब ड्रेटिन पकड़ने का जब कर लिया था, सीफोम आइलैंड में रास्ते में कर लिया था, फिर वहाँ सिनेबार आइलैंड पैलेट टाउन भी चला गया था, मतलब सारे रूट कवर कर लिया भाई मैंने। अब मुझे देखना है पोस्ट गेम में क्या करते दिखाते हैं भाई, ये अगर कुछ हुआ डेफिनेटली ओ जियो वानी ब्रदर वरिडियन जिम में। हाँ तो मैं कह रहा था अगर कुछ हुआ तो तुम भाई पक्का से लेके आऊंगा एपिसोड्स, बाकी नहीं तो फिर भाई नहीं हुआ तो फिर या ये फिनाले भी हो सकता है सीरीज का क्या पता। चैंपियन फाइनल स्टेप अपना जो आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है खत्म ओके कुछ है ओ भाई वापस से पहले टाउन में घर पे लड़के का स्वैग थोड़े एक्सप्रेशन अब दिख रहे हैं मेरे क्या कर रहा है तू भूल पत्ता मैं किसके लिए अपनी फ्रेंडी के लिए लेके जा रहा है किसी के लिए है ओए अपनी फ्रेंडी के लिए जा रहा है किसके लिए जा रहा है कहाँ जा रहा है तू मेरे पास आ जा अब मेरे लिए लेके आ रहा हो कभी है मुझे भी प्रेजेंट देता रहता है कई बार मैं भी तो इसका फ्रेंड ही हूँ ओके दी एंड यस फाइनली लॉन्ग जर्नी मस्त जर्नी ओह सेव हो गया गेम ओके अपन वापस वही रूम में आ गए जहां से अपन ने स्टार्ट किया था अभी एपिसोड को ज्यादा लंबा तो हुआ नहीं मैं देख लेता हूँ कुछ है तो इस गेम में या आगे चलते हैं ओ भाई जैसा मैंने पहले एपिसोड में हुआ था ये बबलू आया था एनीबडी हो मतलब भाई ऐसे करके ओ भाई ऐसे ही आ रहे हैं आई एम कमिंग अप देखा मॉर्निंग कांटो चैंपियन ओ भाई बट डोंट गेट टू कंफर्टेबल विद द टाइटल आई एम प्लान ऑन स्टीलिंग इट फ्रॉम यू सून देख लेंगे भाई फर्स्ट दो डिड यू हियर द रूमर्स क्या द स्टोक गोइंग अराउंड अबाउट सम क्रेजी स्ट्रॉन्ग लुकिंग पोकेमोन बीइंग स्पॉटेड
What kind of Pokemon? क्या? I heard it looks super strong and super cool. That Pokemon was seen near Cerulean City. Okay, and apparently it ran away into a cave somewhere then. That's all I know. So I say we both try to catch this Pokemon. Whoever catches it first is the winner. Okay. मैं पब्लिक साथ रेस लगा रहा हूँ बेटा, पोकेमोन तो मैं पकड़ूंगा चाहे तू कितनी कोशिश कर ले। एक सेकंड चले पोकेमोन देखते हैं भाई वो, लेकिन मैं पहले और देख लेता हूँ उस गेम में कुछ है या नहीं। मम्मी जी नमस्ते, बहुत टाइम बाद। वैसे मैं आया था जब मेगा एवोल्यूशन मिला था उस एपिसोड में मिलने मम्मी जी से। इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन ऑन योर जर्नी विनर। ओके मम्मी जी, बाय बाय। ओके क्या हो गया? योर वर्ल्ड हैज एक्सपेंडेड आफ्टर बिकमिंग चैंपियन। क्या मतलब? यू कैन नाउ फ्लाई अप इन द स्काई विद चार्जर्ड एरोडैक्टिल एंड ड्रैगनाइट एनीवेयर यू वांट। चलो मेरे पास चार्जर्ड ड्रैगनाइट तो है, दो पोकेमोन। हे सॉरी टू बग यू व्हाइल योर वर्ल्ड्स एक्सपेंडिंग। वर्ल्ड से ये चुटकी बच्चा क्या आ गया? रिमेंबर मी, आई एम रोनी फ्रॉम रूट वन। ये वही बच्चा है जो सब स्पेलर ट्रेनर था बैटल करने वाला अपना, वहां मिला था ना, वरी डेंसिटी जस्ट पहले आया था मेरे ख्याल से, वही है। नाउ दैट यू सक्सेसफुल बिकमिंग चैंपियन, आई गॉट सम न्यूज फॉर यू। द मास्टर ट्रेनर्स दैट हैव स्पेंट देयर होल करियर्स ट्रेनिंग ऑन स्पेसिफिक पोकेमोन हैव अपीयर्ड थ्रू आउट कांटो। क्या? आई वुड से चैलेंजिंग द पिकाचू मास्टर इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। ओके पिकाचू मास्टर, हेड टू वरिडियन फॉरेस्ट इफ यू वांट टू फेस हर। इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स टॉक टू मी। ओके मतलब वरिडियन फॉरेस्ट पिकाचू, ये मास्टर क्या होता है? मास्टर ट्रेनर से बैटल करनी है? ओ बढ़िया मैं, अच्छा अब ऐसे हवा मोड़ सकता हूँ? नाइस यार, ये चाहिए था मुझे सीरियसली। चल बढ़िया। हाँ पिकाचू बुला रहा है, क्या हो गया? मेरे लिए गिफ्ट बना रहा था, फूल पत्ती वाला, समझ गया मैं। स्मॉल बुके है ना, मेरे लिए बना रहा था भाई ये, हर्ट एंड सोल से बना है भाई ये। अच्छू यार तू ले, आज तू है ना सबसे जो मुझे फेवरेट बेरी लगती है वो खा। ले ये खा ले, केड़े वाली बेरी गोल्डन। चल भाई चले, अब पहले वरिडियन सिटी में चलते हैं फॉरेस्ट में, वहां पे। एक सेकंड पहले मैं इस बंदे से पूछ तो लूं। अरे ड्रैगनाइट क्या हो गया? ड्रैगनाइट एंजॉय कर रहा है भाई, एक बार मैं पहले ना उतार देता हूँ ड्रैगनाइट को। हाँ अब इसे पूछते पहले, व्हाट डू यू नो अबाउट मास्टर ट्रेनर्स, हु आर दे? हाँ मास्टर, हाँ ठीक है, वो तो मतलब एक स्पेसिफिक पोकेमोन के मास्टर ट्रेनर रहते हैं। एक मतलब जैसे कोई पिकाचू ट्रेनर हो, पिकाचू फॉरवर्ड होगा, और जो किसी चार्जार्ड के चार्जार्ड में एक्सपर्ट होगा, मतलब ऐसे है। अच्छा, हाउ डू आई बैटल देम? इफ यू हैव द सेम स्पीसीज ऑफ पोकेमोन एज देम यू विल बी एबल टू बैटल देम। अच्छा मतलब जो मेरे पोकेमोन है ना सेम टू सेम, उनसे अगर मैं बैटल करके आ रहा हूँ तो मैं हरा सकता हूँ उनको, और फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ टाइटल मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ मिलेगा। आई डोंट नो, नाइदर साइड विल बी अलाउड टू यूज आइटम्स। ओ बहुत तेज हो रहा है, आइटम वगैरह कुछ नहीं था, फेयर बैटल होगा। ओके इफ यू विन यू विल रिसीव अ टाइटल। हाँ मुझे लग ही रहा था। ओके 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 ठीक है, मतलब मैं बड़े छह बुक यार, देखो और पोकेमोन में ट्रेन नहीं करने वाला मैं, छह बस उनके आ रहा सीरियसली। अबाउट टाइटल्स, यू कैन चेंज द टाइटल यू आर यूजिंग एट द गेम कंपनी इन सेलेडोन सिटी। अच्छा सो इट ऑफ ड्यूरिंग लिंक बैटल्स। ओके तो एक काम करता है, पिकाचू को ट्रेनर वो करने चलते हैं, चार्जार्ड को निकाल देते हैं, ड्रैगनाइट रखते हैं अभी वैसे। यस ओए भाई चार्जार्ड, अरे यार अब मजे आ रहे हैं भवा मोड़ने में और ज्यादा। यहाँ पे क्या है? ये पैरासेक्ट का ट्रेनर है। ओके अच्छा ऐसे है क्या सीन? ये पीजी का मास्टर ट्रेनर, ओ भाई इनके ऊपर वो डोट वो बना आ जाता लोगों सा। ओके यहाँ चलते हैं अंदर, यहाँ क्या वरिडियन? एक सेकंड मैं आगे जा सकता हूँ वैसे? नहीं जा सकता यार, ब्लास्टोइज को बाहर निकाल लेते हैं आज अभी। ब्लास्टोइज यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ढूंढना है मुझे। एक सेकंड में अब फिर से निकालता हूँ ड्रैगनाइट चार्जार्ड, किसी को निकाल लेते हैं। अब ढूंढता हूँ मैं क्या नाम है। एक सेकंड यार मैं यहाँ पे नहीं चल सकता ऊपर। ओके दैट्स स्ट्रेंज, मास्टर ट्रेनर कहाँ पे हो जी आप? हेलो एनी मास्टर ट्रेनर हियर। ओके हेलो हेलो हेलो, आराम से। ओ पिकाचू घूम रहा है, कैटरपी, गुड ओल्ड मेमोरीज पकड़ी थी मैंने, एक बटरफ्ली थी मेरे पास भाई। अरे यार थी नहीं मतलब है, अभी मेरे बैग में पड़ी है, रिलीज नहीं करी मैंने ऐस की तरह। मैं बड़े पोकेमोन को रिलीज नहीं करता, अपने पास रखता हूँ स्केयर से। One pair of pants later. यहाँ पे ये रही है पिकाचू मास्टर। ओके अभी पता है स्पेशलिस्ट होगी पिकाचू, और पिकाचू है, पिकाचू का बैटल होने वाला है। आई थिंक मुझे भाई पहले टीएम सिखा लेना चाहिए कुछ अच्छा सा पिकाचू के लिए। डिग आटता है पिकाचू को? डिग, यस डिग सिखाते हैं, क्योंकि भाई डिग ऐसा अटैक है अगर पिकाचू है, पिकाचू कर रहा हूँ मैं, सो बहुत फायदे मारने वाला है अपने। थंडर, एक सेकंड, थंडर बोल्ट वेल टीएम है ना मेरे पास, पहले मैं चेक। हाँ है टीएम है, मैं अब सिखाता हूँ। यस पिकाचू को भाई डिग सिखा दिया, या आप मैं जीत जाऊंगा इसके पिकाचू से, चाहे कितने ताकतवर क्यों ना हो। मेरा क्योंकि 69 लेवल पे, इसका कितना ही होगा 60 लेवल पे ज्यादा से ज्यादा। आजा भाई, मैडम जी, अरे इसकी ड्रेस भी अलग है यार। आई एम द पिकाचू मास्टर, माय गोल इज टू फाइंड द अल्टीमेट पिकाचू। हे योर पिकाचू लुक सुपर स्ट्रॉन्ग। अरे बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा पिकाचू, शर्त लगा ले बेजक से, बहुत ताकतवर है, चैंपियन पिकाचू है ये। ओके लास्ट इक्वे, इक्वे मैडम जी से बैटल कर रहे हैं। कितने लेवल का इसका? ओके फीमेल पिकाचू। ओके कितने लेवल का भाई इसका पिकाचू? 75 लेवल का, बस की ताकत हो रहा है। ओके 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 मैं समझ गया, इससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है मुझे, पर मेरा फास्ट पिकाचू क्योंकि मैंने कैंडी वगैरह खिला रखी है। ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन भाई 75 लेवल इज प्रेटी फास्ट। ओके इसने कुछ तो रिफ्लेक्ट वगैरह किया, पर मैं डिग मार देता हूँ पहले। मार 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 पिकाचू डिग। ओके ओके एक अटैक और जीत सकता हूँ मैं, नो प्रोब्स नो प्रोब्स। देख क्रिटिकल हिट मारा भाई पिकाचू,
सब्स्टिट्यूट मार रहा है यार आराम। ओके स्प्लिश स्प्लैश मार देते हैं, सब्स्टिट्यूट हट जाएगा इसका, नहीं तो फिर वैसे भी हटने नहीं वाला इसका सब्स्टिट्यूट। ओके मेरा एक अटैक खराब कर दिया, बड़े अफसोस की बात। अभी अटैक मारेगा अपना, स्लैम मार रहा है। डैम अभी ये सब्स्टिट्यूट नहीं मार सकता क्योंकि क्या नाम है, इसको भारी पड़ेगा इसका सब्स्टिट्यूट, नहीं तो इसकी क्योंकि एचपी जाती है सब्स्टिट्यूट करने से। अब इसके बाद एचपी बची नहीं, लाल वैसे हो चुकी है इसकी पहले ही। स्लैम मारना इसको होगा नहीं। यस जीत गया अपन भाई, मास्टर ट्रेनर को हरा दिया, बेशक 6 लेवल ज्यादा है हमसे। डैम नाइस एकदम। ओ ये हरा दिया भाई, दैट स्ट्रेंथ इज द रियल डील। ओके हरा दिया भाई। ओ वाओ योर पिकाचू इज वे स्ट्रॉन्गर देन आई थॉट। क्या आई थिंक यू डिजर्व टू बी कॉल्ड अ पिकाचू मास्टर। वैसे मैं यार क्या नाम है वो तो हुई, क्या बोलते चैंपियन तो हुई, पिकाचू मास्टर भी ठीक है। चलो वी शुड हैव अनदर बैटल समटाइम सिंस वी बोथ लव पिकाचू सो मच। एक काम करते हैं अब ना, यहाँ से बाहर निकलते हैं और सरुलियन सिटी निकलते हैं भाई। हाँ हाँ क्या क्या हो गया, क्या हो गया आपको, क्या सूंघ रहा है पिकाचू इज मेकिंग अ नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस भाई। भाई पहले आ चुके ना अपन है ना। ये ले आज के एपिसोड पिकाचू को बहुत पेट कर रहा हूँ लेकिन चलो ठीक है मस्त, पिकाचू डिजर्व करता है। क्या सीम्स कांट बी यूज्ड हियर। अच्छा बाहर जाना पड़ेगा क्या, अपन मास्टर ट्रेनर ढूंढते हैं। मैं आज के एपिसोड में 2-3 को हरा देता हूँ क्योंकि यार भाई मैं इनको हराऊंगा, जो मेरे पोकेमोन है मैं उनको हरा देता हूँ और सब नहीं करता मैं। फिर मैं देख लेता हूँ एक बार यार लोकेशन कहाँ क्या क्या है। अपन सर्वलेंस सिटी में चलेंगे ठीक है, सर्वलेंस सिटी में चलेंगे, पर पहले मैं कौन कौन से पोकेमोन पहले देख लेते हैं। ये है ये है ये है। ओके चार्जर्ड का मास्टर ट्रेनर 64 लेवल का मेरा चार्जर्ड, यार वाट लग सकती है मेरी सही बताऊँ तो। मैं पता देखता हूँ एक बार यार, मैं चेक कर लेता हूँ यार पूरे निकांटो रीजन घूम के देखना पड़ेगा। 12 seconds later. ओके चार्जर्ड का मास्टर ट्रेनर भाई क्या नाम पोकेमोन लीग के पास है तो वहाँ चलते हैं अपन। ओके यहाँ पे कहीं था, यहाँ कौन है मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा चार्जर्ड का मिल गया अपन को। और चार्जर्ड का अटैक सिखाता हूँ अच्छे अच्छे से पहले, ताकि चार्जर्ड विद चार्जर्ड हो तो जीत सकूँ मैं। मेरे पास मेगा एवोल्यूशन भी, अब देखते हैं इसके पास मेगा एवोल्यूशन मिलेगा या नहीं। ओ रॉक स्लाइड है, ओके रॉक स्लाइड बहुत इफेक्ट करेगा चार्जर्ड पे तो मैं रॉक स्लाइड सिखा लेता हूँ। ओके फ्लेम थ्रोर हटाते क्योंकि इस बैटल भाई यूजलेस होने वाला है फ्लेम थ्रोर, सीरियसली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा भाई। और कोई नहीं है अटैक मतलब ऐसा कुछ खास। हाँ चलो बैटल करते हैं, हाँ भाई चल आजा स्टार्ट करते हैं। व्हाई डोंट यू हैव बैटल, हाँ चार्जर्ड बैटल 75 लेवल का चार्जर्ड होने वाला है, 11 लेवल ज्यादा है मेरे से, मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं ट्रेन करके जाना चाहिए, लेकिन भाई अब तुम पता है यार भाई अब कौन करे इतना। ओके मेरे पास मेगा एवोल्यूशन है, एडवांटेज है मेरे पास, पर इसके पास ना हो काश यार भाई, मतलब भैंस किसके पास अटैक ना हो वो प्लीज यार, पता चले ये भी अटैक लेके आ रहा है रॉक स्लाइड और ये खतरनाक खतरनाक। वाई बनाऊ पहले, वाई बना पहले क्या मतलब हारना नहीं है भाई, मैं तो सोच के आयो हारूंगा मैं, अरे नहीं हारना, एक पिकाचू को हरा दिया यार, पिकाचू पर मेरे वही 70 लेवल करीब था। प्रोटेक्ट मार लिया, ओके स्ट्रेटेजी खेल रहा है बंदा। वैसे मैं आज तक एक भी बैटल हारा नहीं हूँ सही बताऊं तो मतलब, लेकिन देखते हैं। रॉक स्लाइड मार, ओके फेल हो गया इसका, मार मार मार, वी कैन डू इट। अरे यार भाई कैसे इतना सा डैमेज कैसे हो रहा है। थंडर पंच मारता है, थंडर पंच थंडर पंच, नहीं मेरे थंडर पंच आराम खोर वो व्हाट भाई। अब पैरालाइज, ओ मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, सीरियसली जीत गया भाई, मैं पैरालाइज से मैं फास्ट हो गया ना यार। नहीं भाई उसका प्योर लक था ये बंदे का भाई, अवॉइड कर दिया, मैं जीत गया था, रॉक स्लाइड टिक जाता तो क्या चार्जर्ड। अरे यार हॉस्पिटल पहुंच गया, अरे नहीं हाँ आई न्यू माय चार्जर्ड वाज द बेस्ट। अरे यार एक सेकंड यार, मैं जीत गया था फिर से, इस बार मैं चार्जर्ड एक्स बनाऊंगा, भैंस की एक्स बनाऊंगा, उसके पास रॉक स्लाइड है मुझे पता चल गया, बस अब इसके पास कोई ड्रैगन टाइप अटैक ना निकलेगा क्योंकि मेरा चार्जर्ड एक्स ड्रैगन और फायर टाइप बन जाता है। फिर चार्जर्ड एक्स कर लेते हैं, ड्रैगन यार मैं ना मैं बावड़ा हूँ, सीरियसली बावड़ा हूँ, मुझे रॉक स्लाइड मारनी थी। यार मैंने एक मूव वेस्ट कर दिया अपना, एक एक मूव की अहमियत है, मुझे शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके प्रोटेक्ट यूज कर रहा है ठीक है, अब मुझे पता है रॉक स्लाइड सब ज्यादा डैमेज देता है, मेरे थंडर पंच भी नहीं दे रहा, रॉक स्लाइड ही मारता हूँ फिर मैं इसके। ड्रैगन पल्स मैं गया, आई एम गुड टू गो, ओके मैं हारना पक्का है। वन हिट कर दिया, पहली बार किसी पोकेमोन ने वन हिट करा है पर किसी पोकेमोन को। ओके डैम फिर से करूंगा मैं यार, मैं फास्ट कैसे नहीं मैं पता दिया यार, वेट अ सेकंड ब्रो, मेरा थंडर पंच इतना सा डैमेज करता है, तेरा इतना ज्यादा क्यों करता है फिर, 9 काफी नहीं है, हैं मैं हार गया, मैं हार गया, यस हार गया मैं, मुझे क्विक कैंडी खिलानी पड़ेगी, एक सेकंड देखता हूँ मैं क्विक कैंडी पड़ी है तो, नो क्विक कैंडी। यार पता है मैं क्या सोच रहा था, मैं अपना थंडर पंच मार के इसको पैरालाइज कर दूंगा और फिर जीतने के चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं इस लवा दोनों में पैरालाइज हो गए, बहुत ही बढ़िया। अब मैं पता है हील भी नहीं है इस बैटल में, रन ही कर देता हूँ ना। यस डैम ताकतवर है भाई ये भैंस की, अरे फिर से पैरालाइज कर दिया, बहुत बढ़िया भाई, हर बार थंडर पंच मार रहा है पहले और मेरा हर बार पैरालाइज हो जा रहा है। पता है मेरे पास एक प्लान है सीरियसली भैंस की, रुको 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 रुको, जो इसने करा ना, मेरे पास एक प्लान है सीरियसली, सब्स्टिट्यूट सिखाता हूँ मैं अभी, मेरे पास है सब्स्टिट्यूट,
पढ़ा या फिर मैं बस देखता हूँ, सब्स्टिट्यूट सिखाना पड़ेगा मुझे, सीरियसली पढ़ा होना चाहिए भाई मेरे पास, प्लीज नो सब्स्टिट्यूट सही में, मैं देखता हूँ टीएम वगैरह हो सब्स्टिट्यूट कोई मतलब भाई। 3 days later ओके, उसके लिए भाई पहले मुझे क्या नाम है एक काम करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट लेने के लिए, मेरे ख्याल से अपन को जाना है, तुम्हें याद है एक लड़की थी क्या नाम है सेलेडोन सिटी में, क्या नाम है जो कॉपी कैट थी, नहीं सेलेडोन सिटी में नहीं मेरे ख्याल सेफ्रोन सिटी में थी वो कॉपी कैट है, और क्या नाम है वो कॉपी कैट को मतलब उसको क्लिफेरी पसंद थी, और अपन उसको क्लिफेरी दिखा देंगे तो मेरे ख्याल से वो है ना फिर वो दे देगी मुझे सब्स्टिट्यूट। ओके क्लिफेरी मैंने ना बक्से अपने उस पार्टी में डाल लिया, दिखाते हैं क्लिफेरी, यस देख ले भाई देख ले जल्दी जल्दी देख ले फटाफट फटाफट, हाँ देख हाँ सब्स्टिट्यूट मिल गया, आप देखो मेरे भाई अब अपन क्या नाम है स्ट्रेटेजी से खेलेंगे चार्जार्ड को मतलब सब्स्टिट्यूट सिखा के, क्योंकि अपन को एक टर्न मिल जाती है वैसे ठीक है, तो वो एक टर्न मिल जाएगी ना फिर भाई अपना काम बन जाएगा बढ़िया मस्त प्लान है। अब मैं ये सवाल ये किसकी जगह सिखाऊं, फ्लाई की जगह सिखा दूं फ्लाई, क्योंकि वैसे भी असर तो करेगा नहीं, और फ्लाई टीएम पड़ी मेरे पास बाद में सही कर दूंगा, यस मेरे ख्याल से अब अपने पास हराने के चांस ज्यादा हो गए, ये सब बैटल करते हैं इससे, पता है ये पहला अटैक थंडर पंच मारेगा आई गेस ठीक है, तो मैं काम करता हूं पहले ही सब्स्टिट्यूट बना लेता हूं, मेगा चार्जर एक्स बना गया अपना, यह प्रोटेक्ट मारेगा देखते हैं क्या मारता है भाई ये, लेट्स सी मेगा चार्जर एक्स बना रहा हूं आज मेरे ख्याल से थंडर पंच मारेगा, यस थंडर पंच मार रहा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नो प्रॉब्लम, अरे यार पैरलिस कर दिया, नहीं यार पैरलिस मत कर, वाह मेरा मूव भी खराब करा दिया, अबे ड्रैगन पल्स मार देगा मैं एक में हार जाऊंगा, बहुत बढ़िया पूरा गेम ही खराब करा दिया, ले वाह शाबाश बेटा बहुत ही बढ़िया वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। भाई वो थंडर पंच पैरालिस कर देता बैंस की उसकी कंट्रोल, वन मोर ट्राई टू गो देखते हैं सब्स्टिट्यूट लग जाए यार एक बार, यार भाई ये थंडर पंच मारेगा फिर से आराम कोर, ये पैरालिस मत करियो पैरालिस, सब्स्टिट्यूट मार दिया ओके ओके थोड़ी सी स्पीड डाउन गई कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं मारूंगा इसके दो बार रॉक स्लाइड बैंस की, यार भाई सही में आराम कोर ने प्रोटेक्ट कर लिया मेरा, सब्स्टिट्यूट नहीं गया मेरा फेड अवे नहीं हुआ सब्स्टिट्यूट, बढ़िया 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 ड्रैगन पल्स मार रहा है ओके ओके ओके, अगर भाई इसने अगली बार ड्रैगन पल्स मारा मैं खत्म, अरे यार भाई यार बीच में मेगा एवोल्यूशन नहीं कर सकता फिर से बदल के, इतना सर भाई सब भाई सब भाई सब एक और भाई नहीं यार भाई नहीं, लग जाए काश मैं फास्ट भी तो नहीं हूँ गंदे सांग भी तो रखे मेरे साथ भाई, ओए मेरे पास एक प्लान है मेरे पास एक बहुत तगड़ा वाला प्लान है सही में सही में सही में, एक सेकंड में फिर से करता हूँ फिर से। The next day. So my plan is, पहले एक काम करते हैं अपना भाई ओके डैमेज प्लीज पैरालाइज मत करियो और सब ठीक है, यस सब्स्टिट्यूट मारते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ पहले थंडर पंच मारूं क्योंकि ये पैरालाइज हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और अगर ये पैरालाइज हो गया तो भाई अपना काम बहुत ज्यादा आसान हो जाने वाला है सही बता रहा हूँ ओके नहीं यार बच गया, पर मेरे ख्याल से एक यार एक सेकंड ये प्लान तो बैकफायर कर जाएगा क्योंकि अगर ये ड्रैगन पल्स मार दे वैसे मैं एक में हिट तो होने वाला हूँ, मतलब भाई कोई ऐसा आइटम नहीं आता क्या जो 1 HP बचा दे यार, ओके यार वही चीज है ना क्या नाम वाह थंडर पंच वो भी नहीं हुआ यार वही बात है क्या नाम मैं फास्ट नहीं हूँ और क्या नाम है एक अगर 1 HP पे बच जाए ना मेरा क्योंकि चार्जार्ड का ऐसा ड्रैगन पल्स में आ रही है एक में हार ही जावे भाई, इसका अटैक ज्यादा स्पेशल अटैक ज्यादा है इसका मतलब वो रोक स्लाइड ही बढ़िया काम करेगा यार, इससे होता क्या मास्टर ट्रेनर से बहस की, एक सेकंड रुको यार मैं चेक मारता हूँ यार। 8 hours later भाई ये मैं अभी क्या नाम है चेक मार रहा था और पता है क्या नाम है 6 मास्टर ट्रेनर जो मैं बता 6 रहूंगा उसके बाद भाई अपन को इससे मतलब मास्टर ट्रेनर का हराने से रेड से बैटल करने का मौका मिलेगा, और रेड तो भाई तुम पता ही है मतलब लेजेंड मतलब भाई सबस्ताग ट्रेनर बोल जाता उसको, और जब अपन रेड को हराएंगे तब हम इस सबस्ताग ट्रेनर तभी बनेंगे मतलब पोकेमोन मास्टर एक तरह से, लेकिन यार अभी भाई मुझे नहीं लगता 6 मास्टर ट्रेनर को हराना पॉसिबल है सीरियसली, और अगर मैं हरा भी दूंगा मास्टर ट्रेनर 6 मास्टर ट्रेनर को तो रेड को हराना पॉसिबल नहीं होगा सही बता रहा हूँ, उसका 80 लेवल पोकेमोन आने वाला है मुझे पता है, अगर भाई 75 लेवल के ये मास्टर ट्रेनर आ रहे हैं और उसको हराने के बाद मतलब ये मास्टर ट्रेनर को हराने के बाद रेड से बैटल करने का मौका मिलेगा तो उसके 80 लेवल से नीचे पोकेमोन होने नहीं वाले, वाट लग जाएगी वैसे ही अगर मैं अभी जुगाड़ करके मास्टर ट्रेनर को हरा भी देता हूँ तो, लेकिन यार देखते हैं अगले एपिसोड में, पहले मैं सोच रहा हूँ उसके पहले यार सरुलेन सिटी केव वगैरह वहाँ पे कुछ कह रहा है भाई बंदा कोई केव वगैरह में चला गया पोकेमोन कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है वहाँ पे, मेरे ख्याल से क्योंकि देखो अगर गेम वालों ने क्या नाम है अभी की अभी दिया है भाई हमें गाइड करा है बबलू आगे बता गया था भाई क्या नाम है कौन पहले पकड़े उस पोकेमोन को, तो मेरे ख्याल से भाई अपन क्या नाम जो अपन अभी लेवल है उस हिसाब से मेरे ख्याल से अपन उस पोकेमोन को पकड़ पाए जो सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, या चार्जार्ड को हराने में नाकाम रहा 4-5 बार मैंने 6-7 बार कोशिश कर ली सीरियसली बताऊं तो, लेकिन यार मुझे लगता नहीं कि मेरा 64 लेवल चार्जार्ड भी हरा सकता है उसको, तो मैं ट्रेन करूंगा या मुझे 80 लेवल करने पड़ेंगे सारे पोकेमोन कम से कम जब जाके जीत पाएंगे अपन, सो है गाइस अब मैं मिलूंगा तुम सभी से नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस गेम की होगी या किसी और गेम की होगी, आई गेस कोई नया गेम भी हो सकता है, तब तक के लिए भाई तुम अपना ख्याल रखो, लव यू गाइस बाय बाय।